नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काशी बहुत खतरनाक आदमी है, तुम बेकार में उसे लड़के जीत नहीं पाओगे। तुम लोग अपने गांव चले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई की जरूरतों का खर्च मैं उठाऊंगा। सर प्लीज सर, मैं ये शहर छोड़कर क्यों जाऊं? मैं नहीं जा सकता। आनंद जिद मत करो। सर प्लीज, मैंने कह दिया ना मैं नहीं जा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते क्यों नहीं हो? जाने में या अनजाने में तूने शेर का मुंह पकड़ लिया बेटा, अब तुझे तय करना है इधर या उधर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चे को खो बैठूंगी, ऐसा कुछ भी हो ये मैं नहीं चाहती। ठीक है माँ, मेरे मन को जो ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूँगा। कहना क्या चाहते हो तुम? सेठ तेरे को 10 बार समझाया समझ में नहीं आता है, गले पे चाकू रखा तो बराबर समझता है। भाया तू मने मत मार, देख मेरी जान कितनी घबरा रही है। अच्छा, काशी तेरी घबराहट को दूर कर देगा। देख सेठ, मौत की घंटी बज गई। एक मिनट। हेलो, आनंद बोल रहा हूँ। मैं तेरी बहन से शादी करने को तैयार हूँ, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। ये तेरा टाइम अच्छा है, चल भाग जा। ओ लो 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 लो। क्या हुआ भाई, क्या विकेट गिर गया क्या? हाँ मोटे, मेन विकेट। मेरी बहन ने जो बॉल डाली थी, दामाद जी क्लीन बोल्ड। काशी भाई की बहन की शादी पक्की हो गई। अरे वाह, अरे कहे दिल की लगा ले बाजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे 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 प्यार किए जा, मैं भी जानू तू भी जाने तू तो है मेरा। मुझे ना मिलेगी तो, अगर ना मिलेगी तो देखना पीछे तेरे पढ़ूंगा रानी। मैं तो बस तेरी हुरे, हाँ बस तेरी हुरे, दिल पे लिखा रे। लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। कहे 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 दिल की लगा ले बाजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे 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 प्यार किए जा, मैं भी जानू तू भी जाने तू तो है मेरा। कहा जी तुमने क्या सुना जी, हम भी तो हैं तेरे। लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। ले गले लगा ले, दुनिया को दिखा दे।
लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया कहे 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 दिल की लगा ले बाजी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी अरे 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 प्यार किए जा मैं भी जानू तू भी जानी तू तो है मेरा मुझे ना मिलेगी तो अगर ना मिलेगी तो देखना पीछे तेरे पड़ूंगा रानी मैं तो बस तेरी हूँ रे हाँ बस तेरी हूँ रे दिल पे लिखा रे लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया भाई भाई दमाजी आ गए अरे दमाजी आ गए दमाजी आ गए हाँ चलिए आइए 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 दमाजी आइए आइए आप भी आइए नमस्ते नमस्ते तुम आगे चलो माँ आइए आप अंदर आइए 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 दमाजी आइए चलिए चलिए दमाजी चलिए आइए ये है कमिश्नर साहब ये हमारे दामाद हैं मुबारक हो ये मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर हैं नमस्कार कैसे हैं आप ये कलेक्टर साहब है और ये चड्ढा साहब हेलो हेलो यंग मैन ये कस्टम ऑफिसर हेलो अरे 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 मेरी लाडली कहीं मेरी नजर न लग जाए आओ बैठो 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 सब लोगों को मेरा नमस्कार आज मैं बहुत खुश हूं ये खुशी की वजह है डॉक्टर आनंद इस पूरी दुनिया में इन दोनों जैसी जोड़ी नहीं देखने मिलेगी अगली 15 तारीख को मेरी बहन की शादी है आने वाली 15 तारीख को तुम छूट जाओगे क्या बोल रहा है तू क्या मैं छूटने वाला हूँ ऐसा कैसे हो सकता है जरूर होगा 9 बज गए अभी तक क्यों नहीं आई गुड मॉर्निंग मैडम आपने मुझे गुड मॉर्निंग बोला गुड मॉर्निंग मैडम मैडम कार आपने गलत जगह पार्क किया है अब मैंने सही जगह पर लगाई है लड़की को तो भगवान भी नहीं समझ पाया मैं क्या समझू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी 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 गुड मॉर्निंग अरे फुलझड़ी दोबारा टक्कर मार दी तूने क्या हुआ तुझे I'm sorry, दीपिका मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा आज गलती से लग गया मुझ पर विश्वास करो मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहती हूँ क्या हुआ तुझे मैं सच कह रही हूँ दीपिका चुप हो जा क्या हुआ तुझे I'm sorry तुझे कुछ नहीं होगा मैं हूँ ना डरना बंद करो मालूम है पूजा तुमसे अनजाने में धक्का लग गया तुम्हारे चेहरे का डर ही बता रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है तुमसे ही नहीं यहाँ जितने लोग हैं उन सबके साथ मैंने ऐसा ही व्यवहार किया है मैं जहां पर पैदा हुई हूँ वहां आसपास सारा ऐसा ही माहौल था तुम लोगों के लिए तो तुम्हारी माँ ने लोरी गाई होगी मगर मुझे लोरी सुनाने वाले भी गुंडे थे खाना खिलाने वाला हाथ भी गुंडे का ही था गुंडे के साथ ही बड़ी हुई इसलिए गुंडागर्दी पेशा बन गया I'm very sorry. It's okay. Bye.
साड़ी में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये गजरा भी अच्छा लगता है और इस साड़ी में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। आज पहली बार तुम एक हिंदुस्तानी नारी लगती हो। हेलो हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ दामाद बाबू, बोलिए बोलिए। दीपिका वहाँ है क्या? दीपिका यहाँ तो नहीं है, आप उसका मोबाइल ट्राई कर लीजिए। मैंने ट्राई किया था लेकिन उसका सेलफोन ऑफ आ रहा है। ऑफ है क्या सेलफोन? जी हाँ जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे शॉपिंग करने जा रही है बोल रही थी, देखो मॉल में होगी, जाओ ढूंढो। भाई हाँ जी दामाद जी कहिए। हाँ दीपिका आई क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई। कॉलेज में फोन किया क्या? हाँ कॉलेज में फोन किया, वो वहाँ भी नहीं है। कोई खबर मिली क्या? दामाद बाबू हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं दामाद बाबू ऐसा मत कहिए, मैं देखता हूँ। सुबह कॉलेज जाने से पहले उसने कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई थी? एक मिनट, दीपिका ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? पिंक कलर। क्या कहा? पिंक कलर? अब हाँ क्या हुआ? अभी अभी मैंने एक बुरी खबर सुनी है। मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का गला काटकर उसे रोड पे फेंक दिया है, उसने भी पिंक साड़ी पहनी थी। नहीं 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 दामाद जी सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता दामाद जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं भी यही दुआ करता हूँ। एक काम करो, तुम वहां पहुंचो, मैं भी वहां आता हूँ। ठीक है दामाद जी, चलो रे। आधे घंटे से एम्बुलेंस, डेड बॉडी, ये सब बताकर मुझे घबरा दिया, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है? साले साहब, तुम्हारी बहन तो 4 घंटे से मेरे साथ ही थी। साले साहब, ये जगह तुम्हें याद है? एक लड़की को तुमने यहाँ तड़पा तड़पा के मारा था, तुम ये जगह कैसे भूल सकते हो? हाँ तुम सोच रहे हो कि ये सब मुझे कैसे मालूम हुआ? कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया मुझे। गन ला रहे। अरे अरे रुक जा रुक जा, आजा आजा इधर आजा, बताता हूँ। प्रिंसिपल अब यहाँ नहीं है, लंदन में है। तेरी बहन तुझसे 4 घंटे से दूर है तो तेरी ये हालत है? जरा उस परिवार के बारे में सोच कर देख जिसकी लड़की को तूने बेरहमी से मार डाला था। अपने बहन के प्यार में अंधा होकर तूने उस बेचारी लड़की को बेरहमी से मार डाला और किसी बेगुनाह को फंसाया। उसका नाम विश्वनाथ था। तू सोच रहा है कि मैं उसके बारे में कैसे जानता हूँ? विश्वनाथ मेरा सौतेला भाई है। माँ तुम्हारी बहन की शादी विश्वनाथ से नहीं, मुझसे करवाना चाहती थी, इसी आनंद से। अब मैं क्या करूं कहो? जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा मेरा भाई भुगत रहा है। अगर तुम्हारी बहन की शादी मुझसे करनी है तो जाके पहले सरेंडर करो। मेरी बहन की शादी से बढ़कर कुछ नहीं। अंदर जाओ। दामाद जी, मेरा सरेंडर जरूरी है क्या? आप ही जरा सोच कर देखिए। नहीं नहीं सोच कर, अभी क्या मैं फसाद की जड़ हूं? चाहो तो मैं थोड़े दिन दूर चला जाता हूं।
चाहो तो हिमालय के वीरान पहाड़ियों में जाकर थोड़े दिन में वापस आ जाता हूँ मैं। हाँ लगता है तुम्हारी बहन को कुमारी रखने का इरादा है। चलिए चलिए दामाजी चलते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लेके जाओ इन लोगों को। आओ आओ काशी। नमस्कार। कैसे हो? बस चाय कॉफी क्या पियेंगे सर? नहीं नहीं चलेगा। कैसे आना हुआ? ये कॉफी ही पीते हैं सर। जाओ लेके आओ। क्या काशी दामाद को साथ में लेके आयो? कार्ड देने आयो क्या? अरे एक फोन कर देते मैं खुद ही आ जाता। कॉफी पीने नहीं आए, सरेंडर करने आए हैं। सरेंडर करने? जी हाँ सर, पिछले साल बरसात में हार्बर लाइन में दीपिका नाम की लड़की का कत्ल हुआ था, वो मैंने किया था। प्लीज मुझे अरेस्ट कर दीजिए। क्या काशी मजाक कर रहे हो? चलो कॉफी पियो। सर मजाक तो आप कर रहे हैं, ये यहाँ बयान देने आए हैं और आप इन्हें कॉफी पिला रहे हैं। आप ड्यूटी पर हैं, समझ गए आप? असली कातिल तो बयान देके अंदर बैठा है, इनको कैसे अरेस्ट कर सर? इन्हीं को तुम्हें अरेस्ट करना है। जो अंदर बैठा है वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। उसे मार कर टॉर्चर करके उसे कबूल करवाया गया। असली कातिल तो ये है और ये कबूल भी कर रहे हैं। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। अरे रे रे काशी भाई, ये डॉक्टर है या लॉयर है? अपने घर का झगड़ा अपने घर से बाहर मत निकलने दो। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे कौन सा टाइम हो गया है? ये बयान देने को तैयार है, आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ड्यूटी पर है, आप लोग हमारी रक्षा करते हैं। ये क्या? देखिए मेरी काशी संभालो उसे। डैम इट। अरे दामाद जी सुनिए 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 तो। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने जहाँ आने को कहा मैं वहाँ चुपचाप चला आया, पर कोई मुझे अरेस्ट करने को तैयार नहीं। मैं तो सरेंडर कर रहा था, लेकिन आप ही ने देखा ना, वो लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे। दिल कर रहा है कि अपने हाथों से तेरा गला। अरे वाह तुम तो मेरी तरह हो गए हो। पहले यही काम करो, दामाद के हाथों मरने से अच्छी बात और क्या हो सकती है। पहले यही करो। साहब आपका पासपोर्ट आया हुआ है, इसको संभाल के रखिए। मुझे क्यों दे रहा है? मेरे दामाद जी को दे। चल जा, ये लीजिए दामाद जी। पर मैंने तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया ही नहीं। जरा देखिए तो सही। हे, मेरे नाम का पासपोर्ट क्यों निकाला? क्या दामाद जी, मेरी बहन से शादी करके कोई अच्छी सी जगह हनीमून के लिए जाना चाहिए। कौन से देश जा रहे हो, कभी जा रहे हो, ये मालूम नहीं था, इसलिए हर जगह का वीजा डलवा कर पासपोर्ट तैयार करवा दिया है। अब बस टिकट आना बाकी है। हाँ शादी के बाद ही हनीमून होता है ना। अच्छा अपनी पावर दिखाकर मुझे डराना चाहते हो है? आज तो तू शायद जीत गया, लेकिन तुझे कैसे हराना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो बाद में देख लेंगे। ये शादी जरूर होगी, वो भी उसी तारीख को उसी जगह पर होकर रहेगी। शादी में दूल्हे को टेंशन में नहीं रहना चाहिए। रिलैक्स मैन। हेलो दीपिका, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बहना बहना क्या हुआ, ये सब नीचे क्यों फेंक रहे हो? ये मत करो, मुझे सब मालूम पड़ गया है। देखो तुम जैसा सोच। हाथ मत लगा उसे, शादी नहीं होगी। नहीं होगा, वो तुझे जरूर अपनाएगा। तेरी शादी होकर रहेगी। वो नहीं अपनाएगा। अपना लेगा। वो मुझे नहीं अपनाएगा। वो तुझे अपना लेगा। नहीं अपनाएगा मुझे। मैंने कहा ना वो अपना लेगा। नहीं अपनाएगा, नहीं अपनाएगा। बहना ये क्या कह रही हो बहना? नहीं अपनाएगा, नहीं, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो मुझे नहीं अपनाएगा भैया। यारे तमाशा देख रहे हो, फटाफट खेलने का पत्ता बंद करो। चलो जल्दी बंदो। हाँ बंदो जल्दी उधर। चलो ठीक है। हाँ जल्दी करो। चलो चलो चलो। हाँ ठीक है। रुक जाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई ने तुम्हें ये माला पहनने को बोला है। शादी करनी है तो माला खुद ही पहन ले। भाई ने तुम्हें ही ये माला पहनने को बोला है। चल निकल। ए भाई ने मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। तू क्या सुनाएगा? Thank you.
रुको, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, तूने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वैसा किया, बोल किया कि नहीं? तू अपने भाई को छुड़वाना चाहता है ना, उसे छुड़वाना चाहता है बस ना? हाँ, बस इतना ही। समझ ले वो छूट गया, कल शादी के मंडप में वो मौजूद रहेगा, अब बस कर, कल वो रहेगा वहां पर। ये बहुत रिस्की है काशी। तुम्हारे रिस्क का रेट क्या है? विश्वनाथ को निकालना बहुत आसान है काशी, अगर इंस्पेक्टर चाहे तो। मैं एफआईआर की कॉपी बदली कर देता हूँ, लेकिन जो केस के पेपर्स हैं वो वकील के पास हैं। अगर गवाह बदली हो जाएंगे तो मैं केस को आसानी से बदल सकता हूँ। जो सजा दी है उसको बदल देता हूँ। जेल के सुपरिंटेंडेंट की क्या राय है? सरा मोहन को अंदर भेज दो, विश्वनाथ को बाहर भेज दो। लेकिन ये सरा मोहन है कौन? सर, आप मुझे 50,000 रुपए दो, मेरा साला फालतू बैठा है, उसको ही उठाकर अंदर कर देता हूँ। अपना कोट उतारकर अपना धंधा बदली कर दो। इंस्पेक्टर, अब तुम ही कुछ करो। ओके सर, ये काम मैं कर देता हूँ, उसकी जवाबदारी मेरी होगी। ये लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इस केस से संबंधित फाइल गवर्नमेंट की कस्टडी में है, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या बोलता हूँ भाई, तुम्हें उस फाइल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके उड़ा के ले आता हूँ। नमस्ते सर, आपके कहने के अनुसार हम लोग विश्वनाथ को आजाद करके ले आए, अब मैं चलता हूँ सर। हेलो। नमस्ते दामाद जी। काशी बोल रहा हूँ, जैसा तुमने कहा था वैसे तुम्हारे भाई विश्वनाथ को छुड़ा कर ले आया हूँ, कल 10 बजे शादी के मंडप में आ जाना है, ये याद दिलाने के लिए फोन किया था। अरे वाह, मेरा भाई छूट गया है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बदले में तुम सेंट्रल जेल में जाओगे? सेंट्रल जेल? भला मैं क्यों सेंट्रल जेल जाऊँ? क्या साले साहब, बिना लॉजिक की बात कर रहे हैं, जब आप अंदर जाओगे तभी तो मेरा भाई बाहर आएगा ना। नहीं, मैंने दूसरे आदमी को भेज दिया है। क्या कहा? दूसरे आदमी को अंदर भेज दिया? बाप रे, फिर एक बार गलती कर दी ना साले साहब। क्या दामाद जी, अगर बहन की शादी में रहूंगा तभी तो कन्यादान कर पाऊंगा। तुम जेल के अंदर रहकर भी कन्यादान कर सकते हो। तू ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा मुझे पता था। शादी होने तक तूने एक एक मिनट तक मुझे परेशान किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तेरा भाई मेरे पास है। सीधे सीधे शादी के मंडप में सुबह आ जाना और मेरी बहन को मंगल सूत्र पहना कर ले जाना। ए, चलो रे, इसको उठाकर अंदर डालो। लगता है इसको बहुत पैसा मिला है, जैसे कमर के चारों तरफ इसने बहुत पैसा बांध रखा है, इतना पिया है कि टोपी से रख गई है। क्या मैटर है भाई? मैं खुद बोलने वाला था साहब, इस सब का कारण काशी है। एक लड़के को बाहर निकालने का था, उसके लिए 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मुझे भी शेयर मिला, वो लेकर मैं सेटल हो गया। कितना बोला? 2 करोड़? काशी की बहन की शादी होने के लिए विश्वनाथ को रिलीज करने को डॉक्टर आनंद ने बोला है। आनंद, काशी, मैटर कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो काशी के वास्ते तो मेरी मूछ ही चली गई, मेरी मूछ के साथ साथ मेरी इज्जत ही चली गई। अरे ये तो विश्वनाथ है। क्या बोल रहा है तू? अभी तो उसको काशी के पास देख के आए, बच के भाग रहा है। लेकिन ये भाग क्यों रहा है कुछ समझ में नहीं आया यार, अभी इसको हम बाहर डालेंगे तो काशी की बहन की शादी रुक जाएगी। पकड़ो इसे, पकड़ो इसको, पकड़ो। ए रुक जा, पकड़ो, भागे ना, भाग रहा है। रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? ए रुक, पकड़ो उसे। ए रुक, अरे चलो जल्दी करो, रुक जा। ए भाग कर रहा है। अरे रे रे, अभी तक तैयार नहीं हुई बहना? चलो आप सब जाओ। ये क्या,
अभी तक तैयार नहीं हुई। सब आ गए, कमिश्नर, मिनिस्टर, एमपी, सब। चलो तैयार हो जाओ। सबके साथ दूल्हा आया क्या? दूल्हा तो आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तुम तैयार हो जाओ, वो जरूर आएगा। तुम तैयार हो जाओ, वो आएगा। यजमान, मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को जल्दी भेजिए। जी वो रास्ते में है, अभी आते ही होंगे। इधर आ, घर पे जा और जरा देख क्या दामाद जी वहाँ है कि नहीं। क्या हाँ भाई। ए, यहाँ आओ। हाँ भाई। जाओ वहाँ मेहमानों का स्वागत करो। जाओ जाते हैं भाई। हेलो, दामाद के घर पे ताला है भाई। ए, पूरे शहर में उसे ढूंढो, मुहूर्त से पहले वो मंडप में होना चाहिए, समझे? जी भाई। क्या हो गया दामाद जी, क्या हो गया? आप यहाँ कैसे आ गए? ये सब, ए चाबी ला, ये सब कैसे हुआ? किसने तुम्हें अंदर डाला दामाद जी? क्यों तुमने मुझे अंदर डाला? और अब तुम खुद ही मुझे निकाल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको क्यों अंदर डालूंगा? ए, किस बेवकूफ ने इनको अंदर डाला? तूने जिस बेवकूफ को बोला था उसी ने मुझे अंदर डाला। दामाद जी आप बार बार गलत समझते हैं, मुझ पर विश्वास कीजिए। सच कहता हूँ, मेरी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने आपको अंदर नहीं डाला। तूने अगर अंदर नहीं डाला तो किसने डाला? मुझे पता नहीं। ऐसे कैसे तुम्हें पता नहीं? मैं वो कुछ नहीं जानता दामाद जी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आप जल्दी से चलिए, ये सब बाद में बात कर लेंगे। सुनो, मैं अपने दामाद को लेकर जा रहा हूँ, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, चलिए दामाद जी। काशी, तुम तो ऐसा कर रहे जैसे कोई पिक्चर दिखाने ले जा रहे हो, ये सेंट्रल जेल है, तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, तुम्हारा बहनोई यहीं रहेगा, तुम जाओ यहाँ से। क्या साले साहब, पुलिस वाला ऐसी बातें करता है? अगर तुम्हारे पास इतना ही पावर है तो मुझे बाहर निकालो, तब तक मैं ऊपर बैठता हूँ, ठीक है? रुकिए दामाद जी, मैं कुछ करता हूँ। किससे बात कर रहा है तू? काशी से बात कर रहा है? जो बोल रहा हूँ सुनो काशी, कोर्ट के परमिशन के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। साले साहब, ये सब देखकर लग रहा है कि तुम्हारी बहन की शादी तो नहीं होने वाली है, अगर शादी होनी है तो बात करके कैसे भी मुझको यहाँ से बाहर निकालो, तब तक मैं ऊपर बैठता हूँ। क्या दामाद जी, मंडप में मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैंने तेरे को बोला ना यार, तेरे को एक बार मुझे इनको ले जाने दे, बाद में मैं वापस आकर तेरा सेटअप कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक और मीटिंग रखना पड़ेगा। एक और मीटिंग? ऐसा? पहले से ही मीटिंग करके 2 करोड़ का खर्चा किया है मैंने ये देखने के लिए? सुन ले, अगर मेरे दामाद को ले जाने नहीं दिया तो मैं आईजी को फोन करूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में जो 2 हाथ से पैसे बटोरे उसका वीडियो बनाकर रखा है मैंने, तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये मीटिंग बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, 2 करोड़ रुपए क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं। अरे कुछ नहीं दामाद जी, वो दीपिका मर्डर केस है ना, जिसमें तुम्हारा भाई अंदर था, उसको बाहर निकालने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। क्या हुआ बहना, तुम यहाँ क्यों आई? आप जो यहाँ बात कर रहे हैं उस सबका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सॉरी काशी,
मेरे बाप समान है, माँ समान है, मेरा सब कुछ है। अगर आपके हाथों में हथकड़ी लगने से मेरी शादी होगी तो ऐसी शादी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा प्यार भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे शादी नहीं करनी। अब भी मैं बच सकता हूं, वो सब की जरूरत नहीं। तुझे अपनी पसंद का लड़का मिले इसलिए ये सब मुसीबत उठाई मैंने। तेरी खुशी ही मेरा सब कुछ है। तूने जो कुछ भी कहा मैंने वो मान लिया। तेरे लिए जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी मत दे, मेरी बात मान। सुपर माय डियर बिग बी, थैंक यू। बहुत समझदार हो। मेरे आदमी को अपनी तरफ करके तुमने मुझे ही फंसा लिया। गुस्सा तो तुम पर बहुत आता है मुझे, पर मेरी बहन को मनपसंद साथी मिला इस बात की खुशी है। दामाद जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मुझ पर बहुत प्यार था इसलिए कोई गलत हरकत की होगी। अब उस बात को आगे मत बढ़ाना। मैं बुरा आदमी हूं, मुझ पर गुस्सा करो, मेरी बहन पर गुस्सा मत करना दामाद जी। उसे अपना लीजिए बिग बी, अपना लीजिए। प्लीज, तुझ जैसे गुंडे की बहन को तो मैं कभी नहीं अपना सकता। लेकिन जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं उसे अपनाऊंगा। काशी, अभी तो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मालूम पड़ा ना। इस सब के पीछे तुम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी मूंछों पर नजर है, और तेरी इतनी हिम्मत तूने उसी पे हाथ रख दिया। अच्छा है, अब अपनी मूंछों का कमाल तुझे अभी दिखाता हूँ। क्या जमाई बाबू, अब चले ससुराल? सर, मूंछों को संभालना। ये स्ट्रॉन्ग है। अब चले क्या? खुशी से चलेंगे। बिग बी, दामाद जी, आखिर जीत मेरी हुई। कहा क्या, सुना क्या, सुना रे, दिल तुझे चाहे चाहे।